वेलकम बैक। ये हमारा सेकेंड पार्ट है शुक्र से रिलेटेड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का, प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सातवीं राशि यानी कि लिब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं और ट्वेल्थ राशि पाइसिस तक डिस्कशन करेंगे। वीनस अगर आपका लिब्रा से लेके पाइसिस तक बैठा हो कैसे प्रभाव देता है। अगर आपने पहली छः राशियों के बारे में जानना है वो मेरी फर्स्ट वीडियो में है। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ, कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पॉकेट में 10 रुपये तो होंगे ना, तो आपके पास पैसे तो हैं, बट आपके पास क्या नहीं है, लग्जरी वाले पैसे नहीं है, राइट। इसी तरह से जो लोग बोलते हैं मेरे पास कार नहीं है, तो उनके पास मारुति तो है ही, मर्सिडीज नहीं है, यानी कि वीनस नहीं है। इसी तरह वीनस एक ऐसा ग्रह है जो एस्ट्रोलॉजी में हर किसी प्लैनेट की तरह बिहेव कर सकता है। देखिए, कोई भी और ग्रह किसी और की तरह बिहेव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पीते हैं, चंद्र होता है पानी, अगर आप ब्रांडेड पानी पियेंगे, ब्लैक वाटर पियेंगे, वो शुक्र आ गया। आप गाड़ी चलाते हैं, ऑटो में जाते हैं, आप वाहन यूज़ कर रहे हैं, और उसी वाहन का अगर हम एनहेंस्ड वर्जन मर्सिडीज चलाएंगे, शुक्र के अंदर आ गया। इसी तरह से आप शराब पीते हैं, देसी शराब पीते हैं, सैटर्न के अंदर आ गई। अगर आप ब्रांडेड शराब पीते हैं, ब्रांडेड विस्कीज पीते हैं, शुक्र के अंदर आ गया। इसी तरह हर कुछ शुक्र के अंदर आ सकता है। मोबाइल फ़ोन भी, आप सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं नोकिया का, वो मर्करी के साथ आता है, बट अगर आप आईफोन यूज़ करेंगे, आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज़ करेंगे, शुक्र आ गया। तो इसीलिए जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप ये समझिए कि एक्चुअल में कोई भी ग्रह की आप बात कर रहे हो, आपको चाहिए शुक्र ही। हर किसी इंसान को, 99% लोगों के पास शुक्र ही नहीं है, बाकी सब कुछ तो है, पैसे भी हैं, थोड़े हैं ना, बट आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, यानी कि आपको शुक्र चाहिए। तो 99% लोगों को जो भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं उनको शुक्र ही चाहिए, और जो नहीं भी जा रहे, जो घर में बैठे हैं, उनको भी एक तरह से सबसे ज़्यादा क्रेविंग शुक्र के लिए ही होती है। तो इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि शुक्र ही ऐसा एक चीज़ वस्तु है जो सबको ही चाहिए। ये किसी भी चीज़ में आ सकती है। अगर आप एक तरह से पूजा भी करते हैं, आप साधारण पूजा करते हैं, नंगे पैर जा रहे हैं मंदिर, सही है, आप गाड़ी में बैठ के, मर्सिडीज में बैठ के पूजा करने जा रहे हैं, प्रायोरिटी से आगे जा रहे हैं, शुक्र आ गया। यानी कि शुक्र हम हर किसी ग्रह के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो लाइफ में सबको शुक्र तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शुक्र को गिना जाता है। देखिए, राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में राहु के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। तो राहु क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, राहु को हम इंग्लिश में नॉर्थ नोड ऑफ द मून बोलते हैं। नॉर्थ नोड क्यों बोलते हैं, देखिए नॉर्थ में क्या होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमें, जब कोई भी कंपस नहीं होता था, ध्रुव तारा डायरेक्शन दिखाता था। अभी भी जो सेलर्स हैं वो ध्रुव तारे की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन पहचानते हैं कि कहाँ पे। इसी तरह जो राहु है वो नॉर्थ नोड ऑफ द मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपकी लाइफ में डायरेक्शन सेट करता है। अगर आपकी डायरेक्शन सेट है और उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे, परफेक्टली आप पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु शुक्र राहु से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र हर किसी प्लैनेट की तरह बिहेव कर सकता है, और हर एक व्यक्ति को शुक्र तो चाहिए ही चाहिए इस जिंदगी में। तो आइए शुरू करते हैं हम शुक्र की प्लेसमेंट लिब्रा के अंदर से। बट इससे पहले आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है कि इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मनी, वेल्थ और लग्जरी की बात ही कर रहे हैं। हम सिर्फ इसी एरिया की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसमें रिलेशनशिप्स वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में लिब्रा में हो या फिर सातवें घर में हो, दोनों चीज़ों में सेम रिजल्ट्स दे सकता है। यानी कि शुक्र यहाँ पे बैठ गया आपकी कुंडली में, या फिर कहीं भी आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे शुक्र बैठ जाए, तो शुक्र इन लिब्रा बोलेंगे हम इसको। तो देखिए, 7 नंबर घर या फिर 7th राशि एक तरह से पार्टनरशिप की राशि होती है। यानी कि अगर आपका शुक्र 7th हाउस में बैठा है या 7th नंबर राशि में बैठा है, ये शुक्र की एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है। परंतु आपको बिजनेस में सक्सेस तब मिलेगा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। एक तरह से स्टेबल पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो शुक्र 7th हाउस व्यक्तियों की होती है, जो कि पार्टनरशिप में ये जानते हैं कि किस तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ बना के रखनी है अप्स एंड डाउन्स में। तो शुक्र 7th हाउस बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है बिजनेस के लिए और पार्टनरशिप के लिए भी। और थोड़ा सा अगर हम और समझे तो देखिए, 7th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में कौन सा प्लैनेट माना जाता है, शनि होता है, राइट। तो शनि क्योंकि 7th में एग्जॉल्टेड होता है
और शुक्र यहाँ पे बैठ गया, शनि का मित्र बैठ गया। तो एक तरह से आप अपने अंदर व्यक्ति अगर और रखेंगे, शनि वाले व्यक्ति और रखेंगे अपने नीचे जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, उनकी आपको हेल्प भी करनी चाहिए रेगुलरली। इसी तरह से सूर्य सेवंथ नंबर घर में या फिर सेवंथ राशि में डेब्लिटेटर माना जाता है, नीच का माना जाता है, यानी कि अकेला काम करना आपके लिए इसीलिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि शुक्र सेवंथ हाउस में आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। अब चलते हैं हम शुक्र आठवें घर में या फिर शुक्र स्कॉर्पियो राशि में। तो देखिए, शुक्र अगर स्कॉर्पियो राशि में होगा या आठवें घर में होगा, आठवां घर या स्कॉर्पियो राशि एक तरह से हिडन घर माना जाता है, यानी कि ऐसी चीजें जो हिडन है जो नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हम, जो कि बहुत इन डेप्थ चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑकल्ट भी ऐसा ही होता है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट सब कुछ इसी में आता है। तो आठवां घर क्योंकि हिडन चीजों का होता है, और अगर आप थोड़ी सी शुक्र की हिस्ट्री पे चलेंगे, शुक्र का जन्म नक्षत्र भी ज्येष्ठा नक्षत्र ही था जो कि स्कॉर्पियो में पड़ता है, और शुक्र ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करी अपनी लाइफ में वो एक तरह से अंधेरे में रह के, गुप्त रह के, अकेले रह के करी, और बहुत पेशेंटली करी, राइट। तो इसीलिए अगर शुक्र स्कॉर्पियो में है या आठवें घर नंबर घर में है, आप पेशेंटली काम करें और छुप के काम करें, यानी कि अपने प्लान्स, अपने आइडियाज अगर आप लोगों के साथ नहीं शेयर करेंगे, अकेले में काम करेंगे, अकेले में बैठ के पहले पूरा का पूरा प्लान और पूरा काम करेंगे 99% तक, और फिर सिर्फ लॉन्च के टाइम अगर आप सबको बताएंगे, तब आपको बिजनेस सक्सेस मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हर चीज़ के बारे में सीक्रेसी मेंटेन करें लाइफ में। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, पेशेंटली काम करेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, जिस तरह शुक्र ने भी पाया था। तो आठवें घर में सिक्योरिटी कंपनीज जो एक तरह से बाकियों को सिक्योरिटी देती हैं, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, ऐसा प्रोफेशन, स्पाइंग का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लिए। तो आठवें घर में शुक्र कब होगा, जैसे सपोज करिए शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, या फिर कहीं भी आपकी कुंडली में आठ नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे शुक्र आके बैठ जाए। इस केस में आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, एक तो सीक्रेसी तो आपने मेंटेन करनी ही करनी है अपने काम के बारे में, बिजनेस के बारे में। अपनी वाइफ को हर फ्राइडे आपको गिफ्ट देना चाहिए सीक्रेटली, मतलब बता के नहीं गिफ्ट देना, बहुत ही एक तरह से सरप्राइज गिफ्ट दीजिए अपनी वाइफ को फ्राइडेज के दिन। अब चलते हैं अपनी अगली प्लेसमेंट की तरफ। अगर शुक्र आपकी कुंडली में सेजिटेरियस में बैठा है या फिर नौ नंबर घर में बैठा है, तो फॉर एग्जाम्पल शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया, या फिर कहीं भी आपकी कुंडली में नाइन लिखा हुआ है, शुक्र वहां पे बैठ गया, यानी कि शुक्र सेजिटेरियस में है। तो देखिए, सेजिटेरियस या फिर नाइन्थ घर हम थोड़ा सा लक, डेस्टिनी के साथ जोड़ के देखते हैं, हायर नॉलेज के साथ जोड़ के देखते हैं, रिलीजियस बुक्स के साथ जोड़ के देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ही समझिए कि आप ज्यादा पैसे तब कमा पाएंगे अगर फिजिकल वर्क नहीं बल्कि आप स्ट्रेटजी से काम लें। कई व्यक्ति एक ही दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं जो लोग सालों में नहीं कमा पाते। तो एक तरह से स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी होती है। शुक्र अगर नाइन्थ हाउस में है, स्ट्रेटजी बनाइए, और लोगों के लिए भी अगर अपने काम करना है जॉब में, ऐसा काम करिए जिसमें आप कंप्यूटर में बैठ के स्ट्रेटजिस्ट हैं, दूसरों के लिए प्लानिंग करते हैं रादर देन फिजिकल वर्क। और इसमें क्योंकि लक काम आता है आपके बहुत ज़्यादा, तो लक के बेसिस पे भी आपके बहुत सारे काम बनते हैं। तो सोशलाइजिंग आपके लिए नहीं बनी, एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा सोशल व्यक्ति नहीं हैं। आप अकेले रह के अगर काम करेंगे, अकेले अपनी एनालिटिकल थिंकिंग यूज करके, अपना एक तरह से गट थिंकिंग यूज करके काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम बनेगा। तो शुक्र नाइन्थ हाउस में या फिर शुक्र सेजिटेरियस में एक तरह से लक के सहारे चलता है। तो लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। और आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि अब नाइन्थ हाउस हम हायर नॉलेज के साथ जोड़ के देखते हैं, अगर आप खुद गुरु बन जाएंगे, यानी कि दूसरों को एडवाइस वाली कोई जॉब करेंगे जिसमें आप एडवाइस देते हैं लोगों को, वो बहुत अच्छी चल सकती है आपकी। आप पढ़ते हैं अपनी अगली प्लेसमेंट की तरफ। देखिए, शुक्र अगर दसवें घर में होगा आपकी कुंडली के अंदर, या फिर शुक्र कैप्रिकॉन में बैठा है, यानी कि शुक्र यहां बैठ गया, या फिर दस नंबर राशि कहीं भी लिखी हो आपकी कुंडली के अंदर, शुक्र वहां बैठ गया, यानी कि कैप्रिकॉन में शुक्र बैठ गया। तो कैप्रिकॉन या फिर दस नंबर घर हम बिजनेस या फिर वर्क के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए, आपकी नेचुरल टेंडेंसी ये होगी कि आपको जो भी काम दिया जाए ना, कोई भी आपको एक तरह से पोजीशन दी जाए, आप उसमें एक तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट। बट सजेशन मेरी ये है, अगर टेंथ हाउस में आपके शुक्र है या फिर कैप्रिकॉन में शुक्र बैठा है, थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा बढ़ाइए। आप वर्क प्लेस के अंदर कम सैलरी मत एक्सेप्ट करिए, कम एक्सपीरियंस में जितनी सैलरी मिलती है, अगर आपका एक्सपीरियंस सपोज करिए 10-15 साल का है, सैलरी 3 साल वाली मिल रही है, तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना आपने। आप अपनी सेल्फ वर्थ को बिजनेस के अंदर, वर्क के अंदर मेंटेन करके रखिए,
और क्योंकि देखिए दसवें घर में शुक्र आपका बेफालतू के खर्चे करवाता है बिजनेस के अंदर, वर्क के अंदर, तो एडवाइस ये होती है कि अगर आपको शुक्र दसवें घर में, अकेले बिजनेस करना मत प्रेफर करिए, कोई ऐसा पार्टनर रखिए जो एनालिटिकल स्किल्स जिसकी बहुत अच्छी हो, मनी मैनेजमेंट जिसकी अच्छी हो, जो आपके लिए पैसे संभाल पाए। देखिए आप इनोवेटिव तो है ही, आपके अंदर बहुत अच्छी कला भी है, बट आपको एक मैनेजर टाइप पार्टनर चाहिए जो पैसों की मैनेजमेंट माइन्यूट लेवल पे कर पाए, अदरवाइज आपका यहाँ पे बिजनेस में लॉस करवा रहता है शुक्र। अब हम अपनी नेक्स्ट प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर एक्वेरियस में या फिर ग्यारहवें घर में है, थोड़ा सा इस पोजीशन को समझते हैं, पहले प्लेसमेंट देखते हैं क्या होती है। सपोज करिए शुक्र यहाँ पे बैठ गया, या फिर 11 नंबर कहीं भी लिखा हो, शुक्र वहां पे बैठ गया आपकी कुंडली के अंदर, तो इस प्लेसमेंट को समझने के लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि 11वें घर में सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड गुरु माना जाता है, जुपिटर माना जाता है, और गुरु इन द सेंस कि सबको हेल्प करने वाला, अपने बारे में कम सोचने वाला और दूसरों की ज्यादा हेल्प करने वाला। साथ के साथ जो एक्वेरियस है उसमें सबसे मेन नक्षत्र षटभिषा नक्षत्र आता है, जिसका रूलिंग प्लैनेट राहु है। षटभिषा नक्षत्र की आप थोड़ी सी अगर फोटोज देखेंगे तो एक तरह से 1000 healers, 10,000 healers यानी कि 1000 doctor एक साथ। अब 1000 doctor किसी को एक साथ नहीं चाहिए होते, जितनी मर्जी बीमारी हो, है ना। तो ये एक तरह से यही दर्शाता है कि ये इतने ज़्यादा सोशल वाला घर है, सोशल मतलब कि दूसरों की हेल्प करने वाला घर है। तो वीनस अगर 11वें घर नंबर घर में बैठा है आपके, या फिर एक्वेरियस राशि में बैठा है, आप ये समझिए आपके लिए मेन प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन ये होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा जनता के लिए हेल्प कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल NGO खोल लीजिए आप, NGO बहुत अच्छा चलेगा, या फिर आप नेता बन जाइए। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन सकती है शुक्र 11th हाउस में या फिर एक्वेरियस में। और साथ के साथ ऐसी प्लेसमेंट जिसमें लोग आपको गुरु माने, लोग ये माने कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। परंतु सपोज करिए आप अब है ही नहीं इस प्रोफेशन में, आप IT के प्रोफेशन में आ गए जिसमें अपने कंप्यूटर में बैठ के कोडिंग ही करनी है, तो आप इसमें अपनी थोड़ी सी शुक्र की प्लेसमेंट को जोड़िए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT प्रोफेशनल है, आप बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए लोगों के साथ, बहुत सारी जनता के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे शुक्र हमेशा आपका डाउन ही रहेगा, कभी एक्टिवेट नहीं होगा। तो शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लेना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, और ये ट्राई करना चाहिए कि मैं बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे केटर करूँ अपने लिए। अब हम आगे अपनी आखिरी प्लेसमेंट की तरफ। शुक्र जब 12वें घर में होगा या पाइसेस में होगा, यानी कि शुक्र यहाँ पे बैठ गया, या फिर 12 नंबर राशि कहीं भी पड़ रही है आपकी कुंडली में, शुक्र वहां पे बैठ गया, तो देखिए पाइसेस में शुक्र एग्जॉल्टेड पोजीशन मानी जाती है। अगर शुक्र 12वें घर में है, थोड़ा सा ये दर्शाता है कि लग्जरीज की तरफ आपकी स्पेंड जरूर होगी लाइफ में। अगर आप अपने आप को लग्जरियस नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉसेज हो जाएंगे। अगर आप खुद पे मनी नहीं स्पेंड करेंगे, आपके वैसे ही मनी लॉस हो जाएगी किसी और कारण से, रैंडम कारणों से आपकी मनी लॉस हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज जो आपको करनी चाहिए, खुद की ब्यूटी पे, खुद की लग्जरी पे पैसे खर्च करना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज, आप लग्जरियस हॉलीडेज लीजिए, कहीं भी जाते हैं बहुत बढ़िया होटल लीजिए, टॉप क्लास होटल लीजिए अगर वीनस आपका 12th हाउस में या फिर पाइसेस में है, इससे शुक्र एक्टिवेट होगा। अपने ऊपर जितनी लग्जरियस पैसे खर्च करेंगे आपका शुक्र उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा और पैसे कमाएंगे आप। और क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठ के एक तरह से बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन में होता है, आपको किसी ना किसी फीमेल डेटी की जरूर पूजा करनी चाहिए, कोई भी फीमेल डेटी, किसी भी माता जी की आपको जरूर पूजा करनी चाहिए ताकि शुक्र आपका एक्टिवेटेड रहे। और साथ के साथ खुद को हमेशा टिप टॉप रखिए, खुद को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखिए, अपने ऑफिस को पूरा लग्जीरियस बना के रखिए, घर को लग्जीरियस बना के रखिए, एक तरह से किंग की तरह रहना स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपको किंग की तरह पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर शुक्र 12वें घर में है। तो दोस्तों आई नो कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ इस वीडियो बनाने में, सेकेंड पार्ट में बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे, सो आई होप आपको सेकेंड पार्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। और क्योंकि मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट्स लेके समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा इजीली समझ भी आ जाएगा आपको। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम से आपको कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर करेगा। धन्यवाद।